हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एडीओ के आजीविका से संबंधित टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, ग्राम उद्योग में कितने प्रकार के उद्योग को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर दो है, एग्रो बेस्ड एवं फूड आधारित उद्योग के अंतर्गत कौन सा उद्योग आएगा? ऑप्शन ए दलहन एवं खाद्य संस्करण उद्योग, ऑप्शन बी ऑयल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी फल सब्जी उद्योग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर तीन है, छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन ए विजय शर्मा, ऑप्शन बी अरुण साव, ऑप्शन सी ब्रिजमोहन अग्रवाल और ऑप्शन डी राम विचार नेताम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए विजय शर्मा। क्वेश्चन नंबर चार है, छत्तीसगढ़ के श्रम एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अरुण साव, ऑप्शन बी लखन लाल देवांगन, ऑप्शन सी राम विचार नेताम, ऑप्शन डी केदार कश्यप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी लखन लाल देवांगन। क्वेश्चन नंबर पाँच है, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है? ऑप्शन ए राम विचार नेताम, ऑप्शन बी अरुण साव, ऑप्शन सी दयाल दास बघेल और ऑप्शन डी ओपी चौधरी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए राम विचार नेताम। क्वेश्चन नंबर छह है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1958 में और ऑप्शन डी 2005 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1957 में। क्वेश्चन नंबर सात है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2007 में और ऑप्शन डी 2008 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 2008 में। क्वेश्चन नंबर आठ है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी का कुल अंशदान कितना होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 5%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 10%। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विशेष श्रेणी यानी एससी एसटी ओबीसी वर्ग का अंशदान कितना होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 5%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 5%। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी के ग्रामीण लाभार्थी को कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया जाता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 40%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 25%। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विशेष श्रेणी यानी एससी एसटी ओबीसी के ग्रामीण लाभार्थी को कितना प्रतिशत अंशदान दिया जाता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 40%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 35%। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण के क्षेत्र में कितना रुपए देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 20 लाख रुपए, ऑप्शन बी 25 लाख रुपए, ऑप्शन सी 30 लाख रुपए और ऑप्शन डी 50 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 25 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के लिए कितना रुपए देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 20 लाख रुपए, ऑप्शन बी 25 लाख रुपए, ऑप्शन सी 30 लाख रुपए और ऑप्शन डी 10 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रामोद्योग के अंतर्गत प्रति व्यक्ति कितना पूंजी निवेश होना आवश्यक है जिसके बाद उसे ग्राम उद्योग माना जाएगा? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए तक, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए तक, ऑप्शन सी 40,000 रुपए तक, ऑप्शन डी 50,000 रुपए तक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 50,000 रुपए तक। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, लघु वनोपज आधारित उद्योग को पहचानिए। ऑप्शन ए बिस्कुट बनाना, ऑप्शन बी बीड़ी बनाना, ऑप्शन सी पेंट बनाना और ऑप्शन डी मोमबत्ती बनाना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बीड़ी बनाना।